हेलो दोस्तों, मैं नेम सैफी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टॉक विद सैफी पे। तो दोस्तों, ये शुरू में बात करने वाला हूँ ट्राई के नए नियम के बारे में जो 1 मार्च 2020 से लागू हो चुके हैं। फ्रेंड, जो पुराने नियम थे उनमें 100 चैनल देखने पे आपको 130 रुपये प्लस जो 18% GST होती थी वो देनी पड़ती थी, और उन 100 चैनल में जो DD के चैनल थे वो भी उसमें इंक्लूड होते थे। बट फ्रेंड, जो नई ट्राई की जो पॉलिसी आई है, जो नए नियम है, उसके मुताबिक जो है 1 मार्च 2020 से आपको 225 चैनल के 130 रुपये प्लस 18% GST जो है वो देनी पड़ेगी। फ्रेंड, 200 चैनल आपको जो फ्री वाले हैं वो देखने को मिलेंगे, और जो 25 DDS के चैनल हैं, जो DD के चैनल हैं वो देखने को मिलेंगे, और इन सभी के जो है 130 रुपये प्लस जो आपके 18% GST होती है वो आपको देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप पेड चैनल लेना चाहते हैं तो इनमें पेड चैनल ले सकते हैं, उसके जो है आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है देने पड़ेंगे। बट फ्रेंड, पेड चैनल के लिए भी अब ट्राई ने नया नियम निकाल दिया है। जो फ्रेंड्स पैक होते हैं, पहले क्या होता था, पैक में जो है कुछ जो है सस्ते चैनल उसमें डाल दिए जाते थे, और एक चैनल जो है महंगे जो है कुछ चैनल डाल दिए जाते थे। जैसे एक कुछ 50 पैसे 1 रुपए के चैनल डाल दिए जाते थे, और जो चैनल है 19 रुपए के उन्होंने कर दिए थे अपने सबसे महंगे जो चैनल होते थे। बट फ्रेंड, ट्राई ने जो है अब ये बोल दिया है जो पैक बनाएंगे आप उसमें 12 रुपए से ज्यादा का चैनल जो है वो नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स, जो अब चैनल कंपनी है उन्हें अपने जो चैनल के प्राइस हैं वो घटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो पैक बनाएंगे तो 19 वाला चैनल वो रख नहीं सकते, इसलिए उन्हें जो है अपने 19 वाले चैनल के भी 12 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप एक ही घर में रहते हैं और दूसरा कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ट्राई की नई पॉलिसी में बहुत राहत मिली है। उसके अनुसार आपको सिर्फ 50 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50 रुपए प्लस जो 18% GST होती है वो आपको देनी पड़ेगी। बट फ्रेंड, पहले क्या होता था, पहले जो है पूरे जो है वही पैसे लिए जाते थे, यानी कि जो नए कनेक्शन होता है उसी के पहले जो है पैसे लिए जाते थे। जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस होती है वो फ्रेंड्स पूरी ली जाती थी, बट अब 50 रुपये और जो 18% GST है वो ही ली जाएगी एक्स्ट्रा जो कनेक्शन है उसके लिए। फ्रेंड, जो ट्राई के सचिव हैं उन्होंने सही से एक्सप्लेन की है जो उनकी नई पॉलिसी है, जो उनके नए रूल हैं, किस किस तरह से वो लागू होंगे, और जो नई पॉलिसी है उसमें क्या क्या रूल्स हैं, और जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्या क्या राहत मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ट्राई के सचिव हैं उनकी बात सुन लेते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, हमने जो नई नीति लगाई थी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में, जिसमें उपभोक्ताओं को चयन का पूरा अधिकार दिया था, उसमें कुछ जगहों पर यह पाया गया कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। इस संबंध में हम कुछ चेंजेस लाए हैं। जो नीति हमने 1 जनवरी को 2020 में लागू करी है, और वो इफेक्ट में 1 मार्च 2020 से आएगी। इसमें मूल परिवर्तन किया गया है कि जो 130 रुपये का अधिकतम हमने एक लिमिट लगाई थी नेटवर्क कैपेसिटी फी के नाम से, उसके अंदर अब उपभोक्ता 200 चैनल ले सकते हैं, और जो 25 चैनल दूरदर्शन के मैंडेटरी चैनल होते हैं वो इस 200 चैनल के अतिरिक्त होंगे। तो 100 से, यानी पहले जो 100 था वो अब 200। तो यस, आपका कहना सही है कि जो पहले 100 चैनल थे वो अब 225 चैनल हो गए हैं। तो उपभोक्ताओं को फ्रीडम दिया गया है कि जो भी चैनल वो चूज करना चाहते हैं वो सारे चैनल उसके साथ में वो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने किया हुआ है कि जो बुके बनाए जाते थे, बुके के अंदर में उनको कई महंगे चैनल डाल दिए जाते थे जो वो समझ नहीं पाते थे कि कॉस्टली चैनल हैं, तो हमने कहा है बुके में जो चैनल डाले जाएंगे वो 12 रुपए से अधिक की सीमा के नहीं होंगे। इसके कारण से उपभोक्ताओं का बिल काफ़ी हद तक घटेगा, बिकॉज कई ब्रॉडकास्टर्स ने जो उनके चैनल पहले 8 रुपये या 9 रुपये के बिका करते थे, उनके मूल परिवर्तन करके और उनके दाम काफ़ी बढ़ा दिए थे, इसमें उनको राहत मिलेगी काफ़ी अधिक। और तीसरा, इससे ये भी फायदा होगा कि जो अलाकाटे चैनल, मतलब कोई आदमी अगर एक चैनल लेना चाहता है तो वो उसको लेने की सुविधा मिलेगी, और बहुत से ऐसे चैनल जो बहुत वांछनीय चैनल नहीं होते हैं उनको कोई उनको पुश नहीं कर पाएगा। यानी सर, जो चैनल्स के रेट्स हैं उसको भी आपने सीमित किया, उसको भी फिक्स किया? हमने चैनल के रेट को फिक्स नहीं किया है, हमने कहा है कि जो भी चैनल उपभोक्ता देखना चाहता है वो उसको आप दे सकते हैं, लेकिन बुके के अंदर जो भी चैनल आप डालेंगे उसके ऊपर जो अधिकतम पैसे की जो सीमा है उसको 19 रुपए से घटा के 12 रुपए किया है, सो दैट जो उपभोक्ताओं को चैनल जाएं वो उनको नॉर्मली लगता है कि चैनल जो बुके में जा रहा है वो सब एक ही तरह के चैनल होंगे। कई लोग करते थे 50 पैसे के चैनल डाल दिए, 1 रुपए के चैनल डाल दिए और फिर 19 रुपए के चैनल डाल दिए, तो वो समझते थे सब चैनल का करीब करीब प्राइस बराबर है, तो वो विसंगति जो थी उसको हमने एड्रेस किया है। लोगों को ये अक्सर शिकायत रहती थी कि देखना चैनल एक है लेकिन बुके में सारे चैनल आ रहे तो वो मजबूरी वश देखना पड़ता था, अब वैसा नहीं होगा? नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत हद तक उनकी सॉल्व हो जाएगी, वो जो चैनल देखना चाहते हैं वो मिलेंगे।
हमने बुके देने के लिए या अलाकार्टे पे चैनल लेने में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन ज्यादा इम्फोसिस दिया गया है कि कंज्यूमर जो देखना चाहते हैं वो चीज उनको दी जाए, और ऐसी चीजें जो वो नहीं देखना चाहते जबरदस्ती उन पर न थोपी जाए। सर एक और मैंने देखा था कि 3 गुना प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए चैनल के एमआरपी को लेकर, कि वो क्या फैसला? देखिए ऐसा है कि जब लोग बुके बनाते थे तो कई चैनल बहुत सस्ते डाल दिए, कई चैनल बहुत ही महंगे चैनल उसके अंदर डाल दिए, तो हम लोगों ने ये कहा है कि बुके के अंदर जो चैनल होंगे उसका जो बुके का एवरेज प्राइस है उससे कोई भी चैनल का प्राइस 3 गुने से अधिक नहीं हो सकता, जिससे समान तरह के जो चैनल हैं वो बुके में आएं, और ऐसा ना हो कि कोई बहुत कॉस्टली चैनल आप बुके में डाल रहे हैं जो उपभोक्ता समझ ना पाए अदरवाइज, और उसको चैनल जबरदस्ती दे दिया जाए, तो वो हमने एक लिमिट लगाई हुई है, और इससे सिमिलर तरह के चैनल बुके में देने में फायदा होगा और उपभोक्ता जो हैं वो अपने चाहत के चैनल वहां पर पा पाएंगे। सर 15 जनवरी तक की मियाद दी आपने ऑपरेटर्स को, शायद संभवतः पूरी वो करके वेबसाइट को अपडेट करने के लिए। हमने ब्रॉडकास्टर्स को 15 जनवरी तक का टाइम दिया है कि जो अपने चैनल के दाम पुनः बताना चाहते हैं इस टैरिफ हिसाब से वो 15 जनवरी तक बता सकते हैं। इसके अलावा एक हमने और बहुत मूलभूत परिवर्तन किया है जिसको हम मल्टी टीवी होम कहते हैं। बहुत से उपभोक्ता हैं जिनके घर में एक से अधिक टीवी लगे हुए हैं, उसमें उनके प्राइस बहुत बढ़ा दिए गए थे, उनको दो तरह से दिक्कत दी गई। एक तो सारे जितने भी उनके टीवी लगे थे उसके लिए उन्होंने एडिशनल NCF लिया, और दूसरी प्रॉब्लम को ये आई कि उनको चॉइस नहीं दी गई अगर वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल लेना चाहते हैं अपने डिफरेंट टीवी पे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चों के कमरे का कोई टीवी है तो वहाँ पे अलग चैनल चाहिए, कोई बुजुर्ग लोग हैं वहाँ अलग टीवी चाहिए, तो हमने दोनों फ्लेक्सिबिलिटी उनको अभी दी है। एक तो ये है कि हर घर के टीवी में जो भी चैनल वो चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, और वो बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दूसरी बात यह कही कि पहला टीवी छोड़ के जो और एडिशनल टीवी लगे हैं उसमें नेटवर्क कैपेसिटी फी 130 रुपीज की जो है उसका केवल 40% ही वो चार्ज कर सकता है DPO। इसका मतलब ये हुआ कि 130 का 40 रफली 50 रुपए दूसरे और अतिरिक्त टीवी का वो चार्ज कर सकता है NCF, उससे अधिक चार्ज नहीं कर सकता। क्या वजह लगी आपको, क्यों ये तब्दीलियां करनी? देखिए तब्दीली करने के 2 कारण थे। एक तो ये है कि जिस तरह से हमने बनाया था अपना फ्रेमवर्क उस तरीके से फ्रेमवर्क ग्राउंड पे नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, और उपभोक्ताओं को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा, और वो चॉइस जैसे उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसलिए कुछ थोड़े से परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी है। सुन रहे थे ट्राई के सचिव SK गुप्ता जी को, जिन्होंने जो ट्राई के नए रूल्स हैं उनको विस्तार से समझाया। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स NCF के बारे में कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस क्या होती है। फ्रेंड जो चैनल्स होते हैं उन्हें आपके घर तक पहुंचाने की जो फीस होती है, जो चार्ज होते हैं, उसे नेटवर्क कैपेसिटी फीस कहते हैं। आप इस तरह से मान लीजिए जो फ्री चैनल्स हैं उन्हें आपके घर तक पहुंचाने के जो चार्जेस होता है उसे ही NCF यानी कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस कहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो आपके पेड चैनल्स होते हैं वो इसमें आपके एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स अब आपको पता लग गया है NCF के बारे में। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। कोई क्वेरी सजेशन हो, कोई पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। जय हिंद दोस्तों।